डिवेलपमेंट ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन वन जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की तो ये बड़ा की रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन इन एनी इकोनॉमी अगर हम पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो इट हैज ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी के ऑलमोस्ट अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री परसेंट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी केम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर फिर इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इट प्रोवाइडेंटुनिटीज़ और ये जो इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है इट इज अराउंडी अप्रोक्सीमेटली फोर्टी फोर्टी परसेंट टू दोटल लेबर फोर्स फिर इसी पैक्ट पर जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है इट प्रोवाइड दिक्योरिटी पाकिस्तान और एट द सेम टाइम एग्रीकल्चरल सेक्टर आट्सो प्ले इट्स ड्यू रोल इन द इंडस्ट्रियल डिवेलमेंट और ये जो इंडस्ट्रियल डिवेलमेंट में हम रोल की बात करते हैं दिस इंडस्ट्रियल डिवेलमेंट इज थ्रू द प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री फिर उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑल्सो क्रिएट मैन फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस बाई द इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो आपके पास एग्रीकल्चरल सेक्टर है इट इज ऑल्सोर्स ऑफ कैपिटल फार्मेशन जी जो आपके पास एग्रीकल्चरल सेक्टर्स की जो सेग है दीज आर द सेविंग्स दैट कैन भी यूज इन द इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर फिर उसके साथ साथ जो आपके पास एग्रीकल्चरल सेक्टर है इट इजो सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बाई एक्सपोर्टिंग द क्रॉप लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट एंड आर इकॉनमी कैन अर्न फॉरन एक्सचेंज हाँ जी जब हम बात करते हैं अबाउट शेयर एग्रीकल्चरल सेक्टर इन द शेयर ऑफ जे तो ड्यूरिंग लास्ट टू डेड्स हम यहाँ पे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं दैट इज मोरलेस सेम टेन टू थाउजेंड एग्रीकल्चरल सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट ट्वेंटी सिक्स परसेंट इन डी पी लेकिन जो ट्वेंटी ट्वेंटी बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी मोर लेस शेयर ऑफ दिसकल सेक्टर इन जेडीपी इज मोर लेस सेम लेकिन जब हम इस कंट्रीब्यूशन को अब कह लें उसके सब सेक्टर्स में जाके देखते हैं तो वहां पर हम एक चेंज ऑब्जर्व करते हैं कि इन जो आपके पास क्रॉप सेक्टर था इसकी कंट्रीब्यूशन इन दीकल्चर इज अप्रॉक्सीटली फिफ्टी पॉइंट फाइव एट परसेंट जी अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी वन परसेंट कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल जी डी पी केम फ्रॉम दी क्रॉप सेक्टर जो आपका लाइफ स्टॉक सेक्टर था इट कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली फोर्टी फाइव परसेंट इन इन दोटल एग्रीकल्चरल जी डी पी लेकिन जब हम इसी फिगर्स को देखते हैं फॉर यहां तो वहां पर आप कह लें स्ट्रक्चरल चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं तो जो आपका क्रॉप सेक्टर था क्रॉप सेक्टर है

कंट्रीब्यूट कर रहा था इन दी एग्रीकल्चरल जीडीपी और लाइव स्टॉक सेक्टर लेस कंट्रीब्यूट कर रहा था इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर लेकिन इन 2021 क्या है कि जो आपका लाइव स्टॉक सेक्टर है इट कंट्रीब्यूट मोर इन दग्रीकल्चरल जी डी पी एज कंपेयर टू क्रॉप सेक्टर अब जब हम ग्रोथ डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन की बात करते हैं तो इस सारे में आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इफ देर इज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इट लीड्स टूवर्ड्स डेवलपमेंट अगर अभी हम अभी की बात करें तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं देर इज अ बिग डिफरेंस इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अक्रॉस क्रॉप्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान अगर हम इसका कंपैरिजन आप कह लें इंटरनेशनल लेवल पे करें फ्रॉम द अदर नेबरिंग इकोनॉमीज ऑफ पाकिस्तान वन कैन ऑब्जर्व अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और इस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव ये जो गैप है बिटवीन बिटवीन द प्रोडक्टिविटी अक्रॉस कंट्रीज अगर हम इस प्रोडक्टिविटी गैप को रिड्यूस करेंगे तो आप कह लें कंट्रीब्यूट करेगा टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट और एक और बात जो हम यहाँ पे आप कह लें ऑब्जर्व कर सकते हो कि ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ नाइन टू नाइनटी आपकी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था इट ग्रो बाई फाइव पॉइंट और उसी टाइम पीरियड में जो आपकी इकोनॉमी थी इट ग्रो बाई सिक्स लेकिन जब आप 20, डिकेड ऑफ 2011 टू तो 20 की बात करते हो तो वहां पे आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो किया बाय 2.45 परसेंट और आपकी इकोनॉमी ग्रो इंक्रीज की बाय 3.47 परसेंट फोर बाय लुकिंग एट दीज टू फिगर्स हम एक चीज तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर बेहतर ग्रो करेगा तो आपकी इकोनॉमी भी कुछ बेहतर ग्रो करेगी सो so, हम इस इन दो फिगर्स की बेस पे कुछ इस पे पैटर्न पे, पे एक कंक्लूजन तो ड्रा कर, कर सकते हैं कि जी लैक ऑफ ग्रोथ इन दीकल्चरल सेक्टर हैज एन इम्पैक्ट ऑन दी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी ऑफ पाकिस्तान पॉवर्टी इन Pakistan. और जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है अगर मैं एक बिल्कुल आप कहें समराइज या बिल्कुल एक नटशल में एक बात करूं तो एग्रीकल्चरल सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट दैट हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकॉनमी एग्रीकल्चरल सेक्टर बेसिकली क्रिएट्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकजेज इन द इकोमी ऑफ पाकिस्तान वो बैकवर्ड लिंकेजेस किस फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर बाय क्रिएटिंग द डिमांड फॉर बाय क्रिएटिंग द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर कि अगर आपके पास फॉर्म मशीनरी है अगर आपके पास पेस्टिसाइड्स हैं अगर आपके पास इंसेक्टिसाइड्स हैं अगर फर्टिलाइजर्स हैं ऑल दीज आइटम्स आर फर्टिलाईजर बाई द इंडस्ट्रियल सेक्टर हाँ जी कौन यूज करेगा इट हैज बिन यूज इन द इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर फिर जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है जो भी ये प्रोड्यूस करेगा कि जी आपके पास अगर कॉटन प्रोड्यूस हो रही है मेज प्रोड्यूस हो रही है शुगर किन प्रोड्यूस हो रहा है तो ये सारा क्या कर रहे हैं इट इट एक्ट एज अ रॉ मटीरियल फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है इट बेसिकली प्रमोट इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या देयर इज इंटर डिपेंडेंस बिटवीन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर और बिकॉज ऑफ कि जब आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो करेगा इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी कि व्हेन देर इज अ बैलेंस्ड ग्रोथ इन दी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर तो वो अल्टीमेटली इंपैक्ट करेगा आपकी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन इन एन इकोनॉमी